हेलो, वेलकम टू रोज एजुकेशन. दिस इज रोशमी ईयर. लास्ट 3 वीडियोस में हमने सीखा था मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. गवर्नमेंट कंपनी माने वो कंपनी होता है जो रजिस्टर किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, हैविंग मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, जिसका मिनिमम 51% शेयर कैपिटल होल्ड किया जाता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स. या तो एक हिस्सा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है और दूसरा जो हिस्सा है वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी को बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनी. आई रिपीट, गवर्नमेंट कंपनी बोलेगा तो वो कंपनी जिसको रजिस्टर किया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जिसका मिनिमम 51% शेयर कैपिटल होल्ड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या तो फिर एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और दूसरा जो हिस्सा एक या एक से बढ़कर स्टेट गवर्नमेंट्स का, उस कंपनी को बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनी. तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी होगी कि मिनिमम जो है 51% गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों का मिक्सचर हम लोग बोल सकते हैं कि 51% स्टेक होना ज़रूरी है, ठीक है. तो उस कंपनी को बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनी. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, HMT भी आता है उसमें, हैवी मशीन टूल्स एक्सेट्रा. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सीख लेते हैं. फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हम लोग सीख लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग एक बार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स. अभी एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ता है या तो पार्लियामेंट के सामने या तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने. अगर मेजर स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है तो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा. अगर मेजर स्टेक स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करना पड़ेगा. क्लियर. सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. गवर्नमेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ऑडिटर्स को. थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ शेयर होल्डिंग. गवर्नमेंट कंपनीज में या तो होली यानी कि पूरा जो है होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, या तो एक हिस्सा ओन कर रहा है गवर्नमेंट, ठीक है. अगर फुल्ली ओन हो रहा है तो 100% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का ही होगा, लेकिन अगर पार्टली ओन कर रहा है तो मिनिमम 51% जो है वो गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है. ओके, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वैसा मिक्सचर जो होता है जैसे हमने मीनिंग में सीखा था वैसे. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है. और बाकी के जो 49% जो है प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है. गॉट इट. इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ऑफ मैनेजमेंट. अभी मैनेजमेंट किसके हाथों में होती है? मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होती है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के द्वारा, अगर वो पार्टली ओन है तो, ठीक है, नहीं तो होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. अब जो मैनेजमेंट है वो हाईली प्रोफेशनल होते हैं और जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं, जिसके वजह से गवर्नमेंट कंपनी का
प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस जो है काफी ज्यादा होता है. Are you all getting? अभी हम लोग फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सीखते हैं. फर्स्ट फीचर इज ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट. गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है? गवर्नमेंट कंपनी का फॉर्मेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होता है. और जो प्रोविजन्स या नियम दिया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसका पालन करना पड़ता है गवर्नमेंट कंपनी को भी. जैसे बाकी के कंपनीज करते हैं उस हिसाब से इनको भी, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी को भी फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डायरेक्ट कर सकती है कि इसमें से कोई भी एक प्रोविजन या नियम अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनी पे. या तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कि इसमें से कोई भी एक प्रोविजन या नियम अप्लाई होगा लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस के साथ में. ओके. सेकंड फीचर इज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. गवर्नमेंट कंपनी का एक सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस होता है, यानी कि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ. यानी कि लॉ के नज़रिया से देखा जाए तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो डेफिनेटली वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं. अगर एक्स वाई जेड करके कंपनी है तो उसी नाम पे वो बिल्डिंग भी खरीद सकता है, राइट? अभी इसके अलावा थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हैं कंपनी अपने खुद के नाम से, या तो फिर सू भी कर सकते हैं. सू का मीनिंग क्या होता है? केस फाइल करना. अपने खुद के नाम पे जो है वो किसी के ऊपर केस फाइल भी कर सकता है, ठीक है? उसी हिसाब से कोई और जो है इस कंपनी पे केस फाइल कर सकता है, क्लियर? थर्ड फीचर इज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टर्स. अभी गवर्नमेंट कंपनी में किसका शेयर कैपिटल ज़्यादा होता है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल ज़्यादा होता है. हमने पढ़ा था ना मीनिंग में, मिनिमम 51% शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है? गवर्नमेंट होल्ड करता है. बाकी का जो 49% जो शेयर कैपिटल होता है वो हो सकता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स होल्ड करें, लेकिन मेजॉरिटी ज़्यादा किसका है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है. तो इसी वजह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जाता है उसमें से जो मेजॉरिटी या मैक्सिमम डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के ही द्वारा, क्लियर? फोर्थ फीचर इज ऑफ ओन स्टाफ. गवर्नमेंट कंपनी को खुद का स्टाफ होता है और इनके ऊपर सिविल सर्विस रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, यानी कि इनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं माना जाता है. हाँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भेजते हैं डेप्यूटेशन बेसिस पे, लेकिन वो अलग हो गया ना. गवर्नमेंट कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं बोला जाता है, ओके? फिफ्थ फीचर इज अ फ्री फ्रॉम प्रोसीजरल कंट्रोल्स. बाकी के गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में जो बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स अप्लाई होता है वो गवर्नमेंट कंपनी में अप्लाई नहीं होता है. आई होप दैट यू आर क्लियर विथ मीनिंग, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. टिल देन, बाय बाय.